आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू विधायक के पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीमा भारती के पति और बेटे दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। एम्स एक्ट में उनकी गिरफ्तारी की गई है, आर्म्स एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। मोकामा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल गिरफ्तार हुए, अवधेश मंडल को कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीमा भारती जिन्हें आज आने में विधानसभा थोड़ी देरी हुई थी और इन्हीं को लेकर एफआईआर दर्ज करने की खबर भी सामने आई। और इसी बीच बीमा भारती के पति और बेटा गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल आर्म्स एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है, मोकामा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीमा भारती के पति हैं अवधेश मंडल, जिनकी गिरफ्तारी हुई, अवधेश मंडल को कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू विधायिका के पति और बेटे दोनों की गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत की गई है, मोकामा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, फिलहाल कोर्ट में पेश भी किया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ बाढ़ से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है आर्म्स एक्ट के तहत, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जी बता दें कि बीमा भारती मौके पर पहुंची है बाढ़ कोर्ट में। बीमा भारती के पति और उनके बेटे को हथियार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट का मामला है, लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि बीमा भारती और उनके पति कह रहे हैं कि हथियार जो भी है, दो हथियार है, दोनों का लाइसेंस है, लेकिन एसपी बताएं कि हथियार का लाइसेंस नहीं मिलने पर इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और बीमा भारती जो विधायक हैं, जदयू से विधायक बताई जा रही है, अपने पति और अपने बच्चे के साथ बाढ़ कोर्ट में मौजूद हैं। जी अनिरुद्ध, ये बताइए कि क्या लाइसेंस को लेकर किसी तरह का बयान बीमा भारती की तरफ से दिया गया, क्या कोई जानकारी उनकी तरफ से सामने आई है, क्या लाइसेंस उनके घर पर मौजूद है या किसी तरह की कोई जानकारी उनके पास? बीमा भारती ने स्पष्ट ये कहा है, हमने उनसे पूछा, हमने उनका स्टेटमेंट लिया, उन्होंने कहा कि ये फ्लोर टेस्ट से आज फ्लोर टेस्ट हुआ कि सरकार की रहेगी या सरकार जाएगी, पूरा उससे मुद्दा जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं बीमा भारती बोले कि मेरे परिवार को टारगेट करके ये निशाना बनाया गया है, फ्लोर टेस्ट से पति का कोई संबंध नहीं है, हथियार का लाइसेंस है लेकिन पुलिस मौका नहीं दी और जबरन में गिरफ्तार करके बाढ़ कोर्ट में लेकर आई है। अभी सीजीएम कोर्ट में लाई है, सीजीएम बैठे नहीं है लेकिन पूरा फोर्स तैनात है कोर्ट परिसर में और पति और बेटा दोनों गिरफ्तार है, पुलिस के हवाले में है। बीमा भारती हर जगह सरकार में भी फोन कर रहे कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहिए कि पूरा मामला जो है आज जो विधानसभा प्रोटेस्ट है उससे जुड़ा हुआ है। अनिरुद्ध, ये बताइए कि अभी वहां पर क्या कुछ होगा कोर्ट परिसर में, जब इस वक्त बीमा भारती उनके पति और बेटे मौजूद हैं, तो क्या अभी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रात का वक्त हो चुका है, लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी पुलिस जो है वो सीजीएम कोर्ट में लेकर आई है, पूरा फोर्स तैनात है कोर्ट परिसर में और सारे कई थाना की पुलिस मौजूद है, दोनों दो गाड़ी में, एक गाड़ी में उनके पति है अवधेश मंडल, बता अपना नाम बता रहा हूँ, पति जो है और बीमा भारती है, उनकी बेटी है वो वहाँ मौजूद है और दूसरे गाड़ी में उनका बेटा और उनका मित्र है, वो दोनों को लेकर कोर्ट में आया गया और पुलिस कह रही है कि आज ही सुनवाई करके जो फैसला कोर्ट करेगा उसका निर्देश का पालन किया जाएगा। जी चलिए अनिरुद्ध, आपसे और भी बातचीत करेंगे और भी जानकारी लेंगे। इस वक्त बीमा भारती का बयान भी हमारे पास है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। की है, सभी को फोन किया है, या एसपी को फोन किया है, डीएसपी से बात हुआ है, आईजी से बात हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं कि ग्रामीण एसपी से बात हुआ। फ्लोर टेस्ट था उसके लिए तो नहीं हो रहा है, इस तरह से दबाव बनाना कोई कहां से अन्याय है? फ्लोर टेस्ट है, इस कारण से भी ऐसा हो रहा है। टेस्ट है तो हम साथ में है ना, पार्टी के साथ में है, सब दिन पार्टी के साथ में रहे हैं, मजबूती से रहे हैं, कहीं भी हम गए हैं तो फोन से संपर्क करने का प्रयास किया, सभी को, जितने भी हमारे नेता है सभी को बताने का काम किए। पुलिस क्या कर रही है मैडम, पुलिस किससे पकड़, पुलिस कह रही है कि मैं हमने की कुछ को कारण ही नहीं बता रहे हैं ना, कोई कारण ही नहीं बता रहे हैं, ऐसा ही बैठा करके गाड़ी में लेकर आ गया है।
तो बीमा भारती का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट के तहत उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीमा भारती के पति और बेटे दोनों गिरफ्तार हो गए। हमारे संवाददाता अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए। अनिरुद्ध, ये बताइए कि दबाव की बात बीमा भारती की तरफ से की गई, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दिया कि दबाव के तहत ऐसा करना कहीं से भी सही नहीं है, तो ये दबाव आखिर किसकी तरफ से बनाया जा रहा है, किसकी चर्चा कर रही है वो? हमने स्पष्ट पूछा या और भी तो स्पष्ट पूछा कि क्या ये सरकार का दबाव है कि आपने फ्लोर टेस्ट में विरोध किया या आप विलंब से पहुंची। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहीं ना कहीं इसी से मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि मेरे पति को जिस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका क्लियर फाई करें या कोर्ट से हम गुहार लगा रहे हैं कि मेरे पति का जो भी हथियार दिखाया जा रहा है उसका लाइसेंस है। बाढ़ के एसपी अपराजित लोहान से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हथियार का लाइसेंस नहीं है जिस कारण को गिरफ्तार किया गया और आज जेल भेजा जाएगा, और इसलिए देर रात एसीएम कोर्ट में को पेश किया गया है। वाकई अनिरुद्ध, ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई दबाव की राजनीति के तहत ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और चलिए दर्शकों को दिखा देते हैं तेज रफ्तार से